रीवा शहर के टीआरएस कॉलेज में उस समय जमकर हंगामा हुआ जब एनएसयूआई के सैकड़ों छात्र एकत्र होकर नारेबाजी करते टीआरएस कॉलेज गेट पर पहुंचे और कॉलेज की प्रिंसिपल को बाहर निकालने के नारे लगाए। हालांकि पहले से मुस्तैद पुलिस सभी छात्रों को हिरासत में ले लिया। दरअसल एनएसयूआई ने आरोप लगाया कि कॉलेज की व्यवस्थाएं पूरी तरह से पटरी से उतरी हैं, लेकिन कॉलेज की प्रिंसिपल कॉलेज परिसर में आरएसएस के कैंप चलवा रही हैं। कॉलेज में पानी की व्यवस्था नहीं है, शिक्षा का स्तर पूरी तरह से गिरा है। पदाधिकारियों ने कहा कि वह चाहते हैं कि टीआरएस कॉलेज को भाजपा का कार्यालय घोषित कर दिया जाए। आरएसएस के कार्यक्रम संचालित कराने के कारण एनएसयूआई के पदाधिकारी प्राचार्य को भाजपा का पट्टा गले में पहनाना चाहते थे। एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने कहा कि एक ग्रेड की मान्यता प्राप्त करने वाला टीआरएस कॉलेज बदहाली के दंश झेल रहा है। साथ ही एनएसयूआई ने कॉलेज परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों को सुधारने के साथ साथ पूरे परिसर में एवीवीपी जिंदाबाद के जो नारे लिखवाए गए हैं उन्हें हटाए जाने की मांग की है। साथ ही आरोप लगाए कि एमएससी बीएससी के रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं किए गए हैं। प्राचार्य का जान पढ़ाई व्यवस्था पर ना होकर भाजपा का प्रचार प्रसार करना। आइए आपको दिखाते हैं पूरा प्रदर्शन और सुनाते हैं एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष ने क्या गंभीर आरोप लगाए हैं। की दलाली करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अनेक प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अनेक प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस के दम पे नहीं चला, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र के सम्मान में, मैदान में, छात्रों के सम्मान में, एनएसयूआई मैदान में, छात्र के सम्मान में। आज हम यहाँ टीआरएस कॉलेज महाविद्यालय का घेराव करने आए हैं एनएसयूआई के कार्यकर्ता। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की मांग ये है, 10 सूत्री मांगों को लेकर हम कई बार एनएसयूआई की तरफ से ज्ञापन दे चुके हैं मैडम को। हमने मैडम से मांग की थी कि पानी की व्यवस्था करा दीजिए, छात्र बाहर से पानी लेके आते हैं। मैडम का कहना है कि आप चंदा इकट्ठा करिए और बनवा लीजिए। पंखे खराब है क्लासों के, पंखे बंद बंद पड़े हैं। जब उनसे बोलते हैं तो बोलती है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं, आप लोग तोड़ते हो, बनवाओ। आरएसएस का कैंप चलता है कॉलेज के अंदर। मैं पूछना चाहता हूँ, शिक्षा का मंदिर है कि सत्ता पक्ष की दलाली करने का कार्यालय ये? हम आज भाजपा का पट्टा लेके आए हैं और मैडम को देना चाहते हैं। आप इसको पहन लीजिए और झंडा लगा के बैठ जाइए। हम कभी नहीं आएंगे यहाँ, नहीं करेंगे घेराव। हम आज घेराव के माध्यम से मांग करने आए। एक महीने हुआ, एक हफ्ते का अल्टीमेटम देता हूँ। ये टीआरएस कॉलेज की बूंदी में जो लिखा हुआ है बीजेपी जिंदाबाद, इसको मिटवाया जाए, इसको जल्द से जल्द मिटवाया जाए। दूसरा, आरएसएस का कैंप बंद किया जाए, वरना एनएसयूआई भी या कांग्रेस पार्टी का कैंप लगाएगी, जिसकी जिम्मेदारी पूरी शासन प्रशासन की होगी। पंखा जल्द से जल्द सुधरवाया जाए, साफ सफाई नहीं रहती है, बेंचों में बाथरूम चले जाइए, बाहर नहीं खड़े हुआ जाता है। ये कंडीशन है, कॉलेज को मान्यता एक ग्रेड की प्राप्त है। जब मान्यता प्राप्त करने की बात आती है तो पटाई करवा देंगे और दिखाएंगे। सिर्फ भाजपा के सत्ता पक्ष की दलाली करती है। अनुवांशिक संगठन है इनका एबीवीपी, उसको तवज्जो देती है। उसके बाद जब एनएसयूआई बात करने जाती है तो चंदा इकट्ठा कर ले और बनवा ले। यहाँ ये सोचिए, योग विभाग का टीचर नहीं है, उसके बाद इनको परीक्षा हो गई, पेपर में फेल हो गए छात्र, इनकी जिम्मेदारी नहीं है। किसकी जिम्मेदारी है? संबल मेधावी के अंतर्गत आने वाले स्टूडेंटों को जबरदस्ती फेल किया जाता है ताकि वो शुरू से पूरी फीस जमा करें, जबकि सरकार द्वारा पहले उनको फीस मिल जाती है। तो कहां से ये क्या हो रहा है कॉलेज में? आप दूसरे के ऊपर तो वो फोड़ना बंद करिए ना, कि दूसरे वाले बिगाड़ के आप बनाइए ना। आपके अंदर कितने हैं? पांच पकड़ वाली बंद कर दीजिए, मेरा सिर्फ यही मांग है जी। सत्ता के दल, सत्ता के उसके वो बना लिए, सत्ता के पक्ष के हिसाब पे ये काम करते हैं केवल और केवल, बस। हमारा नाम पंकज उपाध्याय है, एनएसयूआई। एनएसयूआई द्वारा आज कॉलेज का घेराव का कार्यक्रम था। इनकी मांग थी कि कॉलेज में कुछ अव्यवस्थाएं हैं जिनको लेकर के कई बार इन्होंने मिले हैं और उसमें सुधार नहीं हुआ है। कॉलेज प्रशासन को इस संबंध में इन्होंने पुनः ज्ञापन देने का प्रयास किया है और लगभग 100-150 की संख्या में इकट्ठा हुए हैं। उनकी जो समस्याएँ हैं उनसे कॉलेज प्रबंधन को अवगत कराया जा रहा है और आश्वासन दिया जा रहा है कि जो समस्याएं हैं पानी की, साफ सफाई इत्यादि की, पंखों की, उसको निश्चित समय में दूर कर दिया जाएगा। यहाँ तालाबंदी का भी प्रयास किया गया ऊपर? नहीं, तालाबंदी का कोई प्रयास नहीं है। पुलिस प्रशासन अपनी पूरी टीम मौजूद है, उनका शांतिपूर्वक ज्ञापन चल रहा है।